जी तो अभी आए नहीं, तो फिर शादी कैसे शुरू होगी? हम इन्हें वापस अंदर ले जाएं क्या? रुकिए पत्नी जी, वो जो पंडित जी का इंतजार हो रहा है वो आएंगे ही नहीं। हाँ, और ये शादी भी नहीं होगी। कहा है ना कि उनका तबीयत पटरी से उतर गया है और आज के बाद कोई मुहूर्त शुभ भी नहीं है, तो मतलब साफ साफ है ये कार्यक्रम रुकवा दिया गया है और बाकी का कार्यक्रम बाद में होगा। हाँ, आप लोगों की असुविधा के लिए खेद है। जैसी अगली तारीख फिक्स होगी आप लोगों को कार्ड भिजवा दिया जाएगा। चलिए अब निकलिए यहाँ से। अरे निकलिए, जाइए अपने अपने घर जाइए। मंत्री तो इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन एको पंडित का इंतजाम भी नहीं कर पाए। अरे कब से आया हुआ घर है, शेर के मान में रहने से चूहा शेर थोड़ी ना हो जाता है। कौनू तैयारी ना हुआ होगा शादी करवाने को। अरे सब बेशर्मी है, इससे तो अच्छा होता कि ऐसे लोगों के घर हम आते ही नहीं। चलो। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? मम्मी अभी अभी बोलकर गई है कि शादी तो अब होकर रहेगी, और अब मुझसे ना कुछ कोई पूछ रहा है ना बता रहा है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये शादी नहीं रुकने दूंगी। आप लोग कुछ कीजिए ना, मुझे प्रिंस से शादी करनी है। अगर आज आप यहाँ से हमें बिना जवाब दिए गए तो हम इसी छत से कूद जाएंगे। आपको हमारी तरफ से इसे कबूल करना पड़ेगा। हमने कब कहा इनसे कि हम इनसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुमसे प्यार नहीं करते। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। घर बैठे बैठे लड़का मिल गया, मामला फिट हो जाए, शादी कर लेंगे, फिर ऐश करेंगे जिंदगी भर दशमिस रानी बनके। ये है तुम्हारी फैमिली के संस्कार। प्रिंस नाम के तोते में बसती है उसकी जान, और प्रिंस को अगर कोई तोल सकता है तो वो है लड़की, और वो लड़की है गीता जी। प्रिंस को फंसा कर उसके साथ शादी कर सके, और शादी करके वैसा ही हाल करना होगा जैसा मालिनी यादव ने उनके परिवार के साथ किया था। नहीं संडे देंगे अपने परिवार वालों को जेल, उन्हें वहां से निकाल कर रहेंगे। बस हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एक रास्ता है हमारे पास, चलिए एक बोतल जहर की खरीद लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे परिवार वालों को सेवन करा देते हैं। होगा पंडित जी, ये हमारा बेटा प्रिंस और ये उसकी प्रेमिका प्रिया देवी। आप जल्दी से बताइए कि ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं इन दोनों की शादी के बारे में। अब देखिए ना नुकुर का नतीजा, गीताजी अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, हमें प्रिंस और प्रिया की शादी को 48 घंटे के अंदर अंदर रोकना ही होगा। लो रुक गया फेरा, अब तुम अपना काम शुरू करो और अपना पासा फेंको। कैसे कि सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। बात है गीता, बात कहाँ है? नहीं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मालिनी देवी ये शादी कैसे तोड़ सकती है? कुछ ना कुछ तो है मामी,
वैसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, वो ऐसे हार नहीं मानेगी। वो जरूर इस वक्त कोई प्लान बना रही होगी। बना क्या रही होगी, पर तुम बना चुकी होगी। ये उसकी कोई ना कोई चाल है वो को चकमा देने के लिए। प्लान तो कुछ और ही है मामी। क्या हो सकता है? तुम सोच रहे हैं। मैं तो लगता है कि ये लोमड़ी ना जरूर कोर्ट में जाएगी। कहे कि कोर्ट में सबूत जो है एकदम पक्का रहता है। आप सही कह रही है मामी। मालिनी यादव शादी ऐसे नहीं रोकेगी, वो इंतजार नहीं कर सकती। बहुत प्यार है उसे पैसे से, और प्रिया बहुत ही पैसे वाले खानदान से है, उसे अपने हाथ से जाने नहीं देगी। आप सही कह रही है मामी, वो कोर्ट मैरिज ही प्लान कर रही है। तो आप किया का जाए? थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। और मैं अरे बेटा, ये सब बाद में भी हो सकता है। ओके, देखो जल्दी से वो कोर्ट की लाइन में खड़े रहने की तैयारी करो, बस नहीं तो 8 बजे कोर्ट में लाख लटक जाएगा, समझी का? सिर्फ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जा जल्दी से सारे पेपर्स इकट्ठा करो। जा। कौन से पेपर्स मम्मी? समझती नहीं है लड़की, क्या करे? अरे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो भी लगेगा तभी तो जज साहब ठप्पा लगाएंगे तुम्हारे शादी के सर्टिफिकेट के ऊपर, है कि नहीं? अब जल्दी से सारा पेपर इकट्ठा करो और निकलो, तैयारी करो शादी करने के लिए। ओके, देरी करोगी तो ये रिश्ते में दूरी आ जाएगी। समझने की कोशिश करो बिटिया। अरे हमने भी कोर्ट वालों की हथेली गर्म करने का वचन दिए हैं। अरे तभी तो इतना लेट शादी करने के लिए राजी भी तो हुए। ना चलो अब गो। अरे ठीक है मम्मी। इसने जरूर कोर्ट में सबको खिला पिला के रात में शादी की तैयारी करवा ली है। एकदम सही कह रही हो, ये दूसरे का माल लूट के खाने में तो माहिर है छछुंदरी। पर कोर्ट का काम भी पटाने से नहीं, पेपर से चलता है। दूल्हा दुल्हन के बर्थ सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के बिना तो कोई शादी नहीं करवा सकता। कुछ समझे आप मामी? अरे साले साहब, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेडिंग रोकने की सारी कोशिश फुसफटाका हो जाएगी। दाव खेलने वाला जाएगा गांव ससुरा। अरे अब क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही? ना तो हम कहीं जा रहे हैं, ना प्रिया और नहीं आप। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि ये शादी बाद में हो। जरा सोचिए कितनी अजीब बात है, दो पंडित और दोनों ही गायब। बस प्रिंस, बहुत हो गया। अरे हम तुम्हारी मदर, समझे? हम तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते, सिर्फ भला सोचते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए का अच्छा है और का बुरा। देखो प्रिंसु, वक्त आ गया है कि तुम रिस्पांसिबिलिटी लेना सीखो, ना कि उससे भागो। देखो प्रिंसु, अगर तुमने ऐसा किया ना तो हम कुछ कर बैठे, और फिर वर्ल्ड का कोनो ताकत हमको नहीं रोक सकता। हम जो कह रहे बस वो करो, जाओ। मम्मी को समझाना ही बेकार, क्या मुसीबत हमने अपने गले पाली। ना प्रिया को यहाँ लेके आता और ना ऐसा होगा। क्या कर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जाओ जाके देखो प्रिया कहाँ रह गई। अरे स्लो मोशन का टाइम नहीं है हमारे पास, जाओ जाके देखो। ठीक है। प्रिया जी, वो तो आपने बैग में रखा था ना। आपको कैसे पता जीजा जी? वो ऐसे हम गेस किए हैं। और क्या, ये सारी चीजें बैग में ही तो रखते हैं।
कुछ नहीं है मम्मी। ये कहाँ का अंधारा है? कुछ तो बर्निंग जैसा स्माइल आ रहा है। अरे देखे तो दामाद जी, अरे कहाँ फायर पकड़ लिया है? वाह, हम देखते हैं। अरे सासू माँ, जरा जल्दी यहाँ आइए, आइए। अरे देखिए, अरे ये तो प्रिया जी के कागज पत्ता है, और वो देखिए, वो लाइसेंस भी जल रहा है ससुर। मेरे सारे पेपर्स जल गए, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगी? माँ, हमने आपसे कहा था अभी शादी मत कीजिए, कुछ दिन बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपके जिद के सामने किसी की कहाँ चल गई। चुप, एकदम चुप जाओ। अरे दामाद जी, हमको तो लगता है कोई हमारा पीछा हाथ तो पर नहीं बल्कि पूरा का पूरा नहा कर पड़ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है जो नहीं चाहता कि हमारी शादी हो? मालिनी यादव के साथ दोनों हिट एंड हाइड का खेल खेल रहे हैं। बस एक बार उसे श्रम मिल जाए ना, देखना हम कैसे उसको ब्रेड टोस्ट की तरह चबा कर खा जाएंगे। इसी को कहते हैं दायन को उसी के दांत से काटना। नहीं मामी, जब तक रघु जी नहीं आ जाते हम अपनी जीत पक्की नहीं मान सकते हैं। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सबका भला करें। देर हुई पर अवेयर बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। जल्दी जल्दी फेरे निपटा के भागे, हम अभी भी टाइम पर हैं। 2 घंटा है मुहूर्त खत्म होने में। अरे शादी का तैयारी करें। और सारी चिंता हम पर छोड़ दें। हमारी कराई शादी का मतलब है पूरे 7 जन्म का गारंटी। अरे पटना में सब जानते हैं हमको। अरे सासू माँ, इसे कहते हैं पतझड़ में बसंत। बस 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 बस, अपनी बकवास टॉकिंग अपने पास ही रखो, समझे? ये फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है अभी। अरे पंडित जी जल्दी करिए, और ओ तुम जरा दूल्हे को मंडप में बिठाओ, शादी की तैयारी शुरू करो। अब पंडित जी जल्दी से फेरे लगवाइए। हाँ, चलिए करिएगा शादी, तैयारी करिए। आइए आइए पंडित जी। हे भगवान, अब तो आपका ही सहारा है, जो होगा भगवान के द्वारा ही होगा। अपने 500 रुपए लेकर गिरी पर चढ़ा दो बेटा, धन धान से आपका घर भरा रहेगा, लक्ष्मी पधार रही हैं। हाँ तो सासू माँ, लगता है कि पंडित जी को पता नहीं है कि इसी लक्ष्मी की वजह से तो ये शादी पधार रही है। मुंह का कटर बंद करो अपना। ओम अपवित पवित्र वा सर्वस्थाम गतो पिवा या स्मरेत पुंडी काक्षम सा बाहर बेतरे हे सुचि। ओम गजाननम भूतप्राण सेवितम कपिदजंबु फलचारु भक्षम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादकम। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरण नेत्रम के गौरी नारायणी नमस्ते। ओम गजाननम भूतप्राण सेवितम कपिदजंबु फलचारु भक्षम उमासुतम शोक विनाशकारकम। रघु जी को इतनी बड़ी फोन ट्राई कर चुके हैं मामी, उनका फोन ही नहीं मिल रहा है। और अगर एक बार शादी हो गई तो फिर आकर के कर भी खा लेगा रघु।
पर एक बात है गीता, रघु नहीं आया तो काम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। नहीं मामी, हमें कुछ भी करके शादी को रोकना है। हमें कुछ सोचना होगा, समझ नहीं आ रहा ये सब करें कैसे। अच्छा तो आखिर पकड़े गए रेड हैंड, असली चेहरा सामने आ ही गया। ओ मालिनी यादव का जो बिरेन है ना, वो कंप्यूटर से भी फास्ट है, समझी का। अरे कुछ नहीं छुपता इसे, चाहे जितना छुपाने की कोशिश कर लो। का जी वो दिन का झन्नाटेदार चांटा भूल गई हो का, जो ईरा कुमारी ने तुमको लगाया था, जो आज इतना इनके साथ चिपका चिपकी कर रही हो। कहा कह रही है, तन इधर आई हमारे साथ। सही बात सुनिए, आप कहा कर रही हैं? अरे हम तो आपकी ही दी सलाह पे अमल कर रहे थे, ज्यादा दिमाग चलाते चलाते बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गया का। अरे कामिया के इलाज के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? अरे राजकुमारी ने अगर बंगला खरीदने से मना कर दिया तो? एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, ऊपर से आप कि हम ही पैसा कर रहे हैं, जाइए नहीं करते। अरे काहे नहीं समझ रही बहन जी, हमी राजकुमारी जी से मीठा मीठा बतियाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। हमें तो लगता है कि आपको कामिया का कोई चिंता ही नहीं है। नहीं ऐसे कहा गया, अब देखेगा, बस एक बार ही शादी हो जाए फिर हम पहला जहाज पकड़ के ही दिल्ली चले जाएंगे। उसके ऑपरेशन के वक्त उसके साथ रहेंगे, देखना बलसम पानी की तरह बहाएंगे उसके इलाज के लिए। मम्मी पंडित जी बुला रहे हैं। आते 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 चलो। अरे अभी तो निपट गए किसी तरीके से, लेकिन रघु नहीं आया तो समझ लो अपना खेल शुरू होने से पहले खत्म। हे भगवान अपना चमत्कार दिखाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ग्रणध्वजा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिम वंदनान। क्या हुआ पंडित जी? अरे फास फास काम करिए ना जरा, का देख रहे हैं? अरे जल्दी जल्दी फेरा लगवाइए। बरबधु का गठबंधन कीजिएगा। और अब पर्वदू को फेरों के लिए खड़ा करें।